आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं GTL इंफ्रा स्टॉक के बारे में। इस समय कुछ ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ तो इस स्टॉक में नहीं दिख रहा है, हालांकि डिलीवरी काफ़ी हायर साइड दिख रही है 70-90% तक का, लेकिन टेक्निकली देखेंगे तो इस समय ये स्टॉक कंसोलिडेट फॉर्म में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो इस समय आपको फ्रेश बाइंग शॉर्ट टर्म के लिए करने से बचना चाहिए, क्योंकि जो टाइम अपॉर्चुनिटी है उसको आप गंवाएंगे। मेरा पर्सनली बेट इस स्टॉक में 1000% के लिए है, अगर आप इस स्टॉक को मोर देन 2 ईयर के लिए होल्ड करना चाहते हैं। साथ में ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बेट 100% रिस्की है, क्योंकि इसमें 50% DI की होल्डिंग है और सारा इसका जो ट्रेंड डिपेंड करता है कि कुछ बड़ा काम ऑर्डर बुक इसको मिलता है या नहीं, कुछ बड़े एक्विजिशन होते हैं या नहीं, इसी बात पे इसका ट्रेंड डिपेंड है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि इस स्टॉक में निवेश करना 100% रिस्की है और रिटर्न इस स्टॉक में अगर पैनी स्टॉक में निवेश के हिसाब से देखा जाए तो रिस्क रिवार्ड काफ़ी फेवरेबल है। इसके साथ ही एक दूसरा स्टॉक जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है धानी। धानी स्टॉक में देखेंगे, धानी सर्विस करके है इस स्टॉक में, देखेंगे कि कभी ये स्टॉक 360 के ऊपर भी ट्रेड हुआ करता था, लेकिन इस समय ये स्टॉक का प्राइस अराउंड 51 चल रहा है, जबकि लोअर प्राइस 27 तक के टच हुए थे। वीकली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक इस समय देखेंगे तो 20 EMA के प्राइस को क्रॉस करने वाला है और ये एक रेजिस्टेंस जोन है 52 के आसपास का। तो धानी सर्विस लिमिटेड में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 40 के नीचे के स्टॉप लॉस को लगा करके 80-100 यानी 100% तक का रिटर्न विद इन मैक्सिमम 3 मंथ के ड्यूरेशन में इस स्टॉक में आप ले सकते हैं।